हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी सी समोसे की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ पनीर चीज़ समोसा, जो खाने में बहुत ही यमी लगता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद आने वाला है, और इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म बनाइए, चाय के साथ इंजॉय करिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमें लेना है पनीर, और पनीर को हम ग्रेट करके लेंगे। तो पनीर ग्रेट कर लिया है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्रोसेस चीज़, इसे भी ग्रेट कर लेंगे। अब ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़, अब ऐड करेंगे दो कटी हरी मिर्च, उबले कॉर्न्स, शिमला मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, क्योंकि चीज़ में भी नमक ऐड है, चाट मसाला हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ओरिगानो, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग तैयार है, इसे एक साइड में रखते हैं। तो अब हमें लेना है 2 चम्मच मैदा, इसमें हम थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक मिला के इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। ये पेस्ट अब बन के तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें लेना है समोसा पट्टी, तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड समोसा की पट्टी लाई है। तो पहला फोल्ड हम इस तरह करेंगे, इसे ट्रायंगल में, ये वाला, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और इसे वापस से ट्रायंगल के शेप में लेकर आएंगे, पॉकेट की तरह बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम पेस्ट लगा लेंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे ताकि ये खुले ना। तो ये देखिए ये पॉकेट की तरह तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें स्टफिंग ऐड कर देंगे। अब इस जगह पे भी हमें पेस्ट लगा देना है। अब इसे फोल्ड करेंगे। तो देखा आपने, ये बहुत ही आसान है बनाना। इसी तरह से और समोसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर, और अब हम इसमें समोसों को तल लेंगे। तो अब समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ये क्रिस्पी हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन। और अब मैं इसे निकाल लूँगी पेपर नैपकिन पर। इसी तरह से हम और समोसों को तल लेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म पनीर चीज़ समोसा बनके तैयार है। आपने देखा बहुत ही झटपटी बनके तैयार हो जाता है, और ये बहुत इजी है बनाना। एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बड़े तो बड़े बच्चे भी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। ये देखिए, तो ज़रूर बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।